पिछले 2-3 सालों से जब एक एक दो दो टॉपर जा रहे हैं, अचानक से एक ही कोचिंग से, एक ही सेंटर से आपके 8-8, 9-9 बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कुछ चीटिंग तो ऑब्वियस सी बात हुई है। कुछ बच्चों के 7-19 आए हैं, हो सकता है वो भी सेम क्लास में बैठे हो। अगर मेरिट इतना ज़्यादा चाहेगी और वो भी उन बच्चों की, अगर उन्होंने चीटिंग की है नीट में, तो चीटिंग कर लेंगे, फिर दे विल गो टू द मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके ऐसे चीटिंग वाले डॉक्टर्स बनाएंगे, तो जनता का क्या होगा? अगर ग्रेस मार्क मिला भी है तो 1563 बच्चों को बस मिला है, तो रैंक इतनी हाई कैसे जा रही है? वो पेपर लीक हुआ है तभी इतनी रैंक हाई गई है, नहीं तो उतनी रैंक नहीं जाती। वो तब तो इतनी रैंक हाई, तो अभी तो वो 2050 तक जाएगी, इतनी रैंक हाई गई है 4-5 गुना, इतना तो हो ही नहीं सकता है। ये सोच के टेंशन हो रही है कि अगर इस बार इतनी मेरिट हाई गई है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब इस ईयर मतलब 50 इतने लोग आ रहे हैं, 17 जिसका मतलब पूरा प्लस मार्क्स आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है इससे भी ज़्यादा मेरिट हो, तो कितना नंबर लाएंगे? क्या मतलब जितना मार्क्स नहीं उससे ज़्यादा लाएंगे? नीट वाले बताए थे कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया, किस बेसिस पे दिया ग्रेस मार्क्स, और वहाँ की प्रिंसिपल बता रही हैं कि कोई लेट एग्ज़ाम नहीं हुआ और उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया एनटीए वालों ने, तो ये गलत है। ग्रेस मार्क्स हटा दी जाएँ तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 80 बच्चों को 720 मार्क्स मिले जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है रैंक में, तो नॉर्मल जो इस बार सस्पेक्टेड कट ऑफ था वो 620 बता रहे थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाई हो गया कि हम लोग टच भी करें, अगले साल हम लोग चाहते हैं कि वो ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट ना हो और इस साल ये न्याय मिले बच्चों को बस। अगर काउंसलिंग होगी तो जिन बच्चों के साथ फेयर हुआ ही नहीं है रिजल्ट, तो वो कहाँ जाएंगे? वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आखिर कैसे करेंगे वो? पुलिस भर्ती होती थी, लेखपाल भर्ती होती थी, उसमें गड़बड़ी होती थी, लेकिन इतने बड़े एग्जाम में अगर धांधली होगी तो बिल्कुल ही गलत बात है, रीनीट होनी चाहिए।